मैं विवेक सिंह, स्पेशल एजुकेटर, पटियाला स्कूल फॉर द ब्लाइंड। जैसे कि आप सबको पता है कि एक ही कक्षा के सारे विद्यार्थी एक ही जैसे नहीं होते, तो ऐसे ही दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो अन्य विषयों की अपेक्षा मैथ्स में कमजोर होते हैं। जैसे कि उनको ब्रेक लिखना आ रहा है लेकिन मैथ्स में प्लस और माइनस भी उनको करना नहीं आ रहा है, प्लस माइनस करने में उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर उनको सिक्स और टू देते हैं तो टेन बताते हैं, कहीं सेवन और थ्री को नाइन बताते हैं, ये सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, एक टूल्स का उपयोग किए हैं, टूल्स हमने बनाया है जिसका नाम है एडिशन सिस्टम। इसके माध्यम से हम लोग उनको याद करवाने की कोशिश करते हैं कैसे नाइन और वन कितना होता है, सिक्स और फोर कितना होता है। तो इसके माध्यम से हम खेल खेल में रोचकता के माध्यम से उनको हम लोग क्या करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये एडिशन सिस्टम क्या होता है, इसको बच्चे हमारे यूज, एडिशन सिस्टम है जिसको हम ब्लाइंड बच्चों को ऐसे बताते हैं कि ये एडिशन सिस्टम है, इसके बारे में पहले ओरिएंटेशन करवाते हैं। तो ये है स्लाइडर, ये स्लाइडर ऐसे स्लाइड होता है, ठीक है। ये यहाँ आंसर है, इस जो कॉलम है इस पर क्या आता है, आंसर आता है। इसमें दो पट्टियाँ होती है, एक 10 से 1 तक उल्टी काउंटिंग होती है और दूसरे में 0 से 10 तक होती है। तो हम जैसे कि हम 5 के साथ 4 ऐड करते हैं, तो हम 5 के सामने 4 को स्लाइड करेंगे, स्लाइडर के माध्यम से हम स्लाइड करेंगे 5 के साथ में 4, तो इसका आंसर इसमें बार आंसर बार में आएगा 9। ऐसे ही हम यदि 3 के साथ में 3 करते हैं तो इसको और स्लाइड कर देंगे और 3 के सामने 3 लाएंगे, तो 3 और 3 6 होता है। इसी तरीके से कोई भी संख्या का हम ऐड हल कर सकते हैं, जैसे 6 और 2 क्या होता है, तो 6 के नीचे 2 हम ऐसे स्लाइड करके लाएंगे, 6 और 2 8 होता है। तो इस प्रकार से हम अपने बच्चों को क्या आंसर निकालना सिखाते हैं और इसमें खेल खेल से बच्चे सीख जाते हैं, उनको याद हो जाता है। थैंक यू। Break Free Solutions brought to you by eiLabs and Project Discovery.